हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर दत्तराज विद्यासागर और बायफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एमसीवीसी से रिलेटेड ये जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है ये मैं 30 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आज मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने अब तक 12th इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टडी की इवन शुरुआत भी नहीं की है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मैं कहूँगा कि लेटकमर स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। मैं अभी यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको ये सब्जेक्ट का स्टडी, मतलब HSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी करना चाहिए वो स्टडी करने के लिए आपको इफ़ेक्टिव मेथडोलॉजीज़ मैं अभी बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट का स्टडी कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नवंबर में है, नवंबर 2018 में ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी ये वीडियो अपलोड होगा और मार्च 2019 की एग्ज़ाम आएगी उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो के अंदर दी हुई टिप्स का बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 12th इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट के आपके थियरी के दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर्स में पहला पेपर है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की ये नोट्स है मेरे पास में, मैं इन नोट्स का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पहले ये बात आप समझ लीजिए। ये जो नोट्स है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये पेपर 1 की है, और इसी तरह से दूसरी नोट्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पेपर 2 की नोट्स है। तो ये दोनों पेपर आपको थियरी के लिए है, और इन दोनों पेपर से रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिकल बुकलेट्स भी है। ये प्रैक्टिकल बुकलेट भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, और ये प्रैक्टिकल बुकलेट में पेपर 1 है, इसी तरह से पेपर 2 भी अवेलेबल है। तो ये दोनों पेपर के जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है ये भी आपको परफॉर्म करने के होते हैं। मुझे पता है कि तुम जिस कॉलेज में होंगे उस कॉलेज में तुमको शायद कॉलेज वालों ने गारंटी दी होगी कि भाई हम प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पूरे पूरे डालेंगे, लेकिन रही बात थियरी की जो मैंने अभी आपको दो नोट्स दिखाई, तो उसमें आपको सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये पेपर है इस पर पहले कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आप लेटकमर स्टूडेंट है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये पेपर पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, पहले इसकी शुरुआत करिए, पेपर 1 बाद में करना। अब इसमें ये पेपर में टोटल 7 चैप्टर्स दिए हैं, 7 चैप्टर्स है। उसमें का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा है लॉजिक गेट्स, तीसरा है लॉजिक फैमिलीज, बाद में चौथा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो ये सभी जो चैप्टर्स है उनका प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अब इसमें जो पहले दो चैप्टर है लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट, ये दो चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, मीन्स 100% अगर ये दो चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप करीब करीब इसमें बाकी के जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के लिए इन दो चैप्टर्स का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और आगे के जितने सारे चैप्टर्स है नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स छोड़कर, वो चैप्टर में इन्हीं दो चैप्टर में से पोर्शन, बेसिक पोर्शन कंटिन्यू हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि पहले दो चैप्टर्स को आप इफ़ेक्टिवली स्टडी करिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, या 40-50% भी मिल गए तो चलेगा, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि उसके लिए फिर पहले दो चैप्टर्स करने के बाद में जो पाँचवा चैप्टर फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स नाम का, वो चैप्टर प्रिपेयर करिए। 3 चैप्टर के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा स्टडी होगा और आप पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे।
बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है मार्क्स, उनके लिए फिर यही मेथडोलॉजी बेस्ट है कि पहले दो चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर करो, उसके बाद में पांचवे चैप्टर पर कंसंट्रेट करो, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स और काउंटर्स, फिर चौथे चैप्टर पर वापस आओ, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। और ये चार चैप्टर हो जाने के बाद में जो सिक्स्थ चैप्टर है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये चैप्टर प्रिपेयर करो। अब रह जाते हैं फिर दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 जो है तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम का चैप्टर है। आजकल के सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर अच्छी तरह से हैंडल करते आता है, और उस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है। बेसिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, कौन कौन से टाइप की मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरीज मतलब क्या, रैम रोम ये बाकी मेमोरीज के बारे में सिंपल सिंपल आइडियाज़ देने की है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। तो वो चैप्टर तो हम निग्लेक्ट भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात तीसरे चैप्टर की, अब तीसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा चैप्टर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फिर उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 11th स्टैंडर्ड की जो मेरी नोट्स है उनको यूज़ करिए, वो भी मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, www.vsagar.org, ये वेबसाइट पर वो नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हैं। अब ये हो गई बात पेपर 2 की। अब इसी तरह से आपको करना है पेपर 1। पेपर 1 है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पेपर में टोटल 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स दिए हैं। और पहला चैप्टर है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ये चैप्टर में लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है 3 टाइप के। उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस टॉपिक को, इस पूरे सेक्शन को, CRO सेक्शन को दो टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक है CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है, और बाद में है ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, और साथ में उसके एक और भी पार्ट है जिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जनरली आते हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ CRO। तो ये चैप्टर 1 का पहला पार्ट हो गया। बाद में दूसरा पार्ट है फंक्शन जनरेटर, वो तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, सिंपल टॉपिक है। और तीसरा है डिजिटल मल्टीमीटर, ये भी वैसा सिंपल है। मतलब ये पूरे चैप्टर में से 2/3 पोर्शन कवर करता है CRO ये टॉपिक। तो CRO पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, मतलब उससे आपको ये चैप्टर पर पूरा कंट्रोल आएगा। और इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है, जनरली HSC बोर्ड एग्जाम में इस पर हमेशा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के लिए मेरा एक छोटा सा बुकलेट है अवेलेबल, सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम बुकलेट। इसमें सभी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं, और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल है जिस पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे सभी चैप्टर्स के, जो जो चैप्टर पेपर 1 से रिलेटेड है उसके सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उसमें दिए हैं। अब पेपर 1 का इंस्ट्रूमेंट चैप्टर होने के बाद में दूसरा चैप्टर है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई चैप्टर में 3 टॉपिक ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये तो बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद में उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है, और वो है झेनर डायोड रेगुलेटर। उसमें शंट झेनर रेगुलेटर नाम का एक टॉपिक है, वो अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। ये जो कुछ भी मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए बता रहा हूँ। तो झेनर डायोड का जो शंट रेगुलेटर सर्किट है वो प्रिपेयर करिए, और फिर उसके बाद में 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर्स का पार्ट है, IC LM317 और IC LM340 या IC से रिलेटेड सर्किट्स है, वो प्रिपेयर करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ख्याल में रखिए कि पेपर 1 का स्टडी करते वक्त तुमको डायग्राम्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। जितने ज़्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे आप, एक एक डायग्राम अगर 8-8, 10-10 बार आप ड्रॉ करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उसमें अच्छा
सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर किया आपने, तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में, आंसर शीट में डायग्राम ड्रॉ की, तो उसके बाद में आपको वो डायग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिकली उस टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा थियरी पार्ट है, वो इजीली याद आएगा, आई कैन गारंटी दैट। तो ये हो गई पावर सप्लाई चैप्टर की बात। तीसरा चैप्टर बहुत सिंपल है, ट्रांसड्यूसर्स नाम का। उसमें तीन टॉपिक पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पहला टॉपिक है उसमें थर्मिस्टर्स, दूसरा है प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, और तीसरा है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये तीन टॉपिक ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। एक और वैसा टॉपिक है स्पीकर नाम का, लाउड स्पीकर, वो भी प्रिपेयर करें तो सफिशिएंट है। इसके बाद में जो चौथा चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट चैप्टर है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा है। तो ये चैप्टर में आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, बाद में श्मिट ट्रिगर और कंपैरेटर, इन सब के डेरिवेशंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और उनकी डायग्राम्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एकदम शुरुआत में इस चैप्टर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाम का एक टॉपिक है, तो वो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक पर ही पूरे चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा सिंपल नाम है उसका। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया हुआ है। ये चैप्टर में आपको कई तरह के अलग अलग टॉपिक्स है वो प्रिपेयर करने चाहिए, लेकिन मैं उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताऊंगा HSC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपने करना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका ब्लॉक डायग्राम और उससे रिलेटेड थियरी। उसके बाद में नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें मॉड्यूलेशन करने की क्या ज़रूरत है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बाद में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, पार्ट कर डालना है उनको। और फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एज ए रिले स्टेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। और उसके बाद में ये जो सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम बुकलेट है, इसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड लास्ट में एक रडार नाम का चैप्टर है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो उस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी इस सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम बुकलेट में दिए हैं, वो भी प्रिपेयर करने चाहिए आपको। साथ में ये चैप्टर में मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करो, बाद में कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है उसको कैलकुलेट करो, तो वो भी सब प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट चैप्टर है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो चैप्टर में वो चैप्टर तीन टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है IC555 टाइमर, दूसरा है IC741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और तीसरा है थ्री टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर IC LM317 और LM340। तो इसमें IC555 ये टॉपिक को सिर्फ आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आगे के तो जो दो टॉपिक्स है IC741 और IC LM317, ये ऑलरेडी तुम्हारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में और सेकंड चैप्टर जो है पावर सप्लाई उसमें कवर हो चुके हैं। तो IC555 ये टॉपिक आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555 और उसके बाद में अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555 और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। एक और टॉपिक आपने करना चाहिए वो है FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग।
तो ये इतना अगर प्रिपरेशन आपने अच्छी तरह किया तो आपके लिए अबव मीन्स यू विल बी एबल टू स्कोर बिटवीन 80-90% मार्क्स, दैट इज क्वाइट श्योर। उसके साथ में यहाँ पर मेरे पास में पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस दिए हैं, परफेक्ट आंसर्स करके पेपर 1 है ये, इसी तरह से मैं अभी पेपर 2 के भी पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ, तो ये भी आप हमारे वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। तो इन ऑल अगर आपने ये पूरा सेट 12 स्टैंडर्ड का परचेस किया तो आपके लिए एक सब तरह का मटेरियल एक जगह अवेलेबल हो जाएगा और आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने के हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dsvakola@gmail.com। ये जो वीडियो आप अभी YouTube पर देख रहे हैं तो ये वीडियो के नीचे मैंने और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक्स दी है, तो वो लिंक पर भी आप क्लिक करिए, मतलब आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आप ये मटेरियल परचेज भी कर पाएंगे। साथ में लेटकमर स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो भी मैंने अच्छी तरह से मेरे वेबसाइट पर लिखी है, बहुत पॉपुलर गाइडलाइंस है वो। साथ में EVS प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रैक्टिकल बुकलेट लिखने के लिए विथ रीडिंग्स प्रैक्टिकल बुकलेट भी मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब मटेरियल लेकर अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको इफेक्टिवली इसको प्रिपेयर करते आएगा सब्जेक्ट को और आप अच्छी तरह से इसमें मार्क्स कमा पाएंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने बाकी जो क्लासमेट्स है, दोस्त है, उनको भी इसका फ़ायदा होने दीजिए और हमारी जो वेबसाइट है विद्यासागर एकेडमी की, उस वेबसाइट को गूगल पर ज़रूर आपका रिव्यू लिखिए जिससे हमारे रैंकिंग में इंक्रीमेंट होगा और इस तरह से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ आगे के एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप हमारे वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, दत्तराज विद्यासागर, प्रोफेसर दत्तराज विद्यासागर करके गूगल में अगर आपने टाइप किया तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।